नमस्कार दोस्तों, आइए आज मैं एक और नॉन वेज का रेसिपी लेके आई हूँ। ये है चिकन विथ मिक्स हर्ब। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चाहिए। इसके लिए मैंने चिकन ले लिया है और चिकन को धो के रखा है। ये मेरा 700 ग्राम के लगभग चिकन है। और इसके लिए चाहिए ऑनियन पाउडर, चिली फ्लेक्स, थाइम, पार्सले, ये काली मिर्च पीसी हुई है, ऑरगेनो, रोजमेरी, बेजिल और गार्लिक पाउडर। और चाहिए नींबू का रस, कुछ कटे हुए गार्लिक, ये देखिए बारीक कटे हुए लहसुन है, और नमक स्वाद अनुसार, रिफाइंड ऑयल, कुकिंग ऑयल जो भी आप खाती हैं, और बटर। और कुछ सब्जियां भी मैं इसमें फ्राई करूंगी इसको डेकोर करने के लिए या इसके साथ सर्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप मिक्स हर्ब भी आता है मार्केट में, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको बनाना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले डालते हैं इसमें 2 चम्मच नींबू का रस बीज बचाकर। अब हम डालते हैं इसमें ऑनियन पाउडर 1 चम्मच, ऑनियन पाउडर। अब मैं डालूंगी गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है ऑनियन पाउडर तो आप पीस के भी डाल सकती हैं, ये भी डलेगा 1 चम्मच के लगभग। अब मैं डालती हूँ बेजिल 1/2 चम्मच के लगभग। मैंने बेजिल डाल दिया। अब मैं डालूंगी 1/4 से थोड़ा ज़्यादा रोजमेरी। अब मैं डालूंगी ऑरगेनो, ये भी लगभग उतना ही। अब हम डालेंगे काली मिर्च 1 चम्मच भर के, ये टीस्पून है, छोटा स्पून है देख लीजिए। और हम डालेंगे पार्सले, ये भी 1/4 के लगभग। डालेंगे हम थाइम और चिली फ्लेक्स, इन दोनों को भी। चिली फ्लेक्स आप अपने स्वाद अनुसार रखिएगा, कम या ज़्यादा ये आपके ऊपर है। तो चलिए हम थाइम डाल लेते हैं। और अब मैं डालूंगी इसमें चिली फ्लेक्स और नमक स्वाद अनुसार, ये आपके ऊपर है आप कितना तीखा खाते हैं कितना नहीं। और अब मैं डालूंगी नमक स्वाद अनुसार और इन सबको मिक्स करके, और इनको मिक्स करके मैं रखूंगी कम से कम 1/2 घंटा। तो चलिए हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं लहसुन जो कटा हुआ था वो भी डालूंगी। तो चलिए इसको भी मिक्स कर लेते हैं और इसे 1/2 घंटा के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसमें डाल दिया है मक्खन। आप चाहे तो इसमें रिफाइंड कुकिंग ऑयल कुछ भी डाल सकती हैं, तो इसमें ज़्यादा नहीं लगता है तेल। ये नॉन स्टिक बर्तन है इसलिए अब हम इसको, ये गर्म हो चुका है, ज़्यादा गर्म करूँगी तो जल जाएगा। और अब मैं इसमें जो स्किन साइड है उसको नीचे करते हुए सर्व चिकन को अरेंज कर दूँगी। अभी मेरा आँच तेज है और थोड़ी देर में ही मेरा आँच बिल्कुल कम हो जाएगा और ये कम आँच से ही ये बनेगा एक तरफ कम से कम 15 से 20 मिनट। तो चलिए हम इसे दोनों तरफ से पका लेते हैं। और मैंने ये सब डाल दिए और इसको मीडियम आंच पे मैं पका रही हूँ, अपने जूस में पक रहे हैं। फिर मैं इसे 15 मिनट बाद पलट दूँगी और इसी मैरिनेशन में मैं कुछ सब्जियाँ डाल के मैरिनेट करके रख रही हूँ, जब तक ये पकेंगे तब तक। तो ये मैंने कुछ लंबे वाले बीन्स ले लिए और इसको हम लोबिया की जो फली कहते हैं या स्नैक बीन कहते हैं, कुछ टमाटर, शिमला मिर्च, आलू, और इसमें बस मैं जरा सा नमक डालूंगी। और ये देखिए हमारे पास मैरिनेशन किया हुआ घोल है ही है जो मैंने चिकन के लिए किया था, इसी में इनको मैरिनेट करके रख दूंगी तब तक के लिए जब तक तक हमारा चिकन नहीं होता है। तो चलिए इसे मैरिनेट कर लेते हैं हल्का सा नमक डाल के। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और दोनों तरफ से हो गया। ये देखिए तो इसे मैं किसी बर्तन में निकाल लेती हूँ और इसी ऑयल बचे हुए मक्खन में मैं सब
सब्जियों को फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने निकाल लिया और ये सब्जी है जो इसी के मसाले में मैरिनेट कर रखा था और ये हमारा इसका बचा हुआ है, इसी में मैं इन सब्जी सब्जियों को डाल के फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसी में सब्जियाँ डाल दी हैं और मैं इसे थोड़ा मीडियम आँच करके फ्राई कर लेती हूँ इसके साथ सर्व करने के लिए। तो चलिए, तो ये लीजिए दोस्तों, मेरा चिकन विथ हर्ब मिक्स हर्ब के साथ तैयार है। और भी है चिकन की रेसिपी, मैं एक एक करके आपके पास लाती रहूँगी। तब तक के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपका भी कोई है इस तरह का रेसिपी तो आप मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं उसको भी ट्राई कर सकूँ। और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर जरूर दबाइए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।